हेलो छात्रों, आज हम पाठ पढ़ेंगे हिंदी क्षितिज कक्षा 10 अनिवार्य हिंदी का फर्स्ट लेसन सूरदास। सबसे पहले हम सूरदास कवि सूरदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म संबत 1540 में हुआ था। इनका जन्म मथुरा के बीच स्थित रुणकता ग्राम में माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार दिल्ली के निकट सिही ग्राम में इनको इनकी जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है और वार्ता साहित्य और भक्त काल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे जाते हैं, किंतु साहित्य लहरी साहित्य वार्ता साहित्य साहित्य लहरी में एक पद है सॉरी साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज की अमात्य तथा राजकवि चंद्रवरदाई की वंशज ब्रह्म भट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। इस पद के आधार पर माना जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप अर्थात गहरे कुएं में गिर पड़े थे। 6 दिन तक वहाँ गिरे रहने के बाद अर्थात पड़े रहने के बाद इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। तब इनको श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और इनको सनेत्र कर दिया अर्थात इनकी आँखों की रोशनी भी आ गई। इस पर सूरदास ने कहा कि हे प्रभु श्री कृष्ण, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता, अतः आपसे निवेदन से आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे नेत्र सदा के लिए बंद हो जाएं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए अर्थात अंधे होते हुए भी वो सांसारिक संसार में होने वाली घटनाओं का उन्हें ज्ञान हो गया। सूरदास जन्म से अंधे थे, ये विवादास्पद बात है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंत समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों में मिल जाता है, जैसे या माया झूठ की लालच, या माया झूठी की लालच दुहू द्रग अंध भयो। अरे ये संसार जो है इसमें तो झूठ ही झूठ भरा हुआ है, इसलिए मैं तो अंधा ही अच्छा हूँ। द्रग अंध भयो अर्थात मैं तो आँखों से ही अंधा हो गया, जिसको मैं कम से कम देख तो नहीं पा रहा हूँ। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और उसी समय उनकी दासी भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणित हो गई। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा के अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया, जो इनका साहित्य अर्थात इनकी प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
सूरसागर इनका प्रामाणिक सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथों में माना जाता है, जो इनकी कीर्ति को अक्षय प्रदान करता है। सूरदास ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। इनकी पूर्ववर्ती किसी भी नई नई किसी भी भाषा में काव्य छटा में न तो इतनी साहित्यिक है और न इतनी सौंदर्यपूर्ण। पाठ का परिचय इस प्रकार है। प्रथम पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। अपरिचय दीवार कृष्ण के पहले से समाप्त होती है। राधिका बड़ी चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को व्याज स्तुति में कह जाती है। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। शेष तीन पदों में उद्धव गोपिकाओं के संवाद है, अर्थात उद्धव और गोपिकाओं के बीच जो गोपिकाएं जो अपनी विरह वेदना को व्यक्त करती हैं, उसका सुंदर वर्णन इस पद में तीसरे पद में किया गया है। इसे भ्रमर गीत के रूप में माना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है, अर्थात दूसरा नहीं है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। गोपिकाओं के उपालम विदग्धता और करुणा से भरे गोपियों के व्यंग बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फेंके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद ये हैं। पहला पद है, भूजत श्याम कौन तू गोरी, अर्थात कवि सूरदास ये कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जब ब्रज की गलियों में राधा जी को प्रथम बार देखा तो उनसे परिचय पूछा कि हे युवती आप कौन हैं, कहाँ रहती, कहाँ की है बेटी, अर्थात आप कहाँ की रहने वाली हैं, किसकी पुत्री हैं। देखी नहीं कबहूँ ब्रज खोरी, अर्थात आज से पहले मैंने आपको कभी ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा। यहाँ पे कृष्ण कहना चाहते हैं कि राधा से गोरी युवती अर्थात राधिका से कि हे राधिका आप कौन हैं, इससे पहले मैंने आपको यहाँ कभी नहीं देखा, अर्थात मैं आपको प्रथम बार ही देख रहा हूँ। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण की बातें सुनकर राधिका कहने लगी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी। तो काहे को हम अर्थात आज से पहले कभी हमें ब्रज की गलियों में अर्थात ब्रज गांव के बाजार में या गलियों में हमें आने की आवश्यकता ही नहीं हुई, तो हम क्यों आती। खेलत रहती आपनी पोरी, खेलत रहती अर्थात अब आज से पहले तो हम अपने ब्रज गांव की ब्रज में जो हमारा घर है भवन उसमें ही खेला करती थी। लेकिन सुनत रहती ब्रज सर्वननी डोटा, लेकिन हमने ये सुना है, सुनत रहती अर्थात हम सुनती रहती हैं सर्वननी यानी अपने कानों से, नंद डोटा अर्थात नंद बाबा का बेटा श्री कृष्ण करत फिरत अर्थात करता फिरता है माखन दधि चोरी, अर्थात हमने ये सुना है कि नंद बाबा का बेटा श्री कृष्ण दही और मक्खन की चोरी करता फिरता रहता है। इस प्रकार सुन करके श्री कृष्ण व्यथित हो जाते हैं और कहते हैं, तुमरो का चोरी, हे राधिका हमने तो आपका कुछ नहीं चुराया, तुमरो कहाँ चोरी हम ले हैं, अरे हमने तो आपका कुछ भी नहीं चुराया। खेलत चलो संग मिली जोरी, हे राधिका चलो हम दोनों जो है संग खेलते हैं अर्थात हम साथ खेलने के लिए चलते हैं। तो कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण राधिका जी को इस प्रकार कह कर के और अपने बात ही बातों से उसको वश में कर लेते हैं और अपने साथ खेलने के लिए उसको प्रसन्न कर लेते हैं। और राधिका जो है भोली भाली होने के कारण श्री कृष्ण की चतुराई भरी पूर्ण बातों में आकर के उनके साथ खेलने को राजी हो जाती है, सहमत हो जाती है। यहाँ पर सूरदास कवि ये कहना चाहते हैं
कि हमारे मेरे प्रभु श्री कृष्ण हैं वो तो रसिकों के शिरोमणि हैं अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे बड़े रसिक हैं। बात न भूरई अर्थात बात ही बातों में भोली भाली राधिका को अपनी बातों में उलझाकर उन्हें खेलने के लिए प्रसन्न कर लिया। और भोली भाली राधिका जो है श्री कृष्णा की चतुराई पूर्ण बातों में आ गई। इस प्रकार यह आपका पहला पद हुआ। इसके बाद में दूसरा पद जो है अगले वीडियो में आपको भेजेंगे। आज बस इतना ही।